बांका के मंदारिल से बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा यहां से चलकर विभिन्न जिलों के 1200 किलोमीटर पैदल यात्रा तय कर बोधगया में समाप्त होगी। मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से महात्मा गांधी ने की थी और अब बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। खड़गे भाजपा नीति केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि देश को तोड़ने का काम भाजपा कर रही है। भाजपा ने देश को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई है। बांका से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंदार पहाड़ की तलहटी से 4 बजे संध्या निकली। हजारों की तादाद में यात्रा में जुड़े लोग बिहार के कई हिस्सों से पहुंचे थे। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध थे। 1000 पुलिस बल की तैनाती की गई थी। 5 जनवरी को 7.5 किलोमीटर की यात्रा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में यात्रा की शुरुआत की गई। भारत जोड़ो यात्रा के रूट चार्ट में 5 जनवरी को मंदार पहाड़ की तलहटी से शुरू होकर बाराहाट में रात्रि विश्राम है। यह यात्रा 7.5 किलोमीटर की होगी, जबकि 6 जनवरी को बाराहाट पड़ाव स्थल से सुमुखिया मोड़ के सर्वोदय कॉलेज प्रांगण में रात्रि विश्राम होगा। यह यात्रा 19 किलोमीटर की होगी। 7 जनवरी को सुमुखिया मोड़ से अमरपुर बाजार होते हुए रतनगंज के संत पथिक आश्रम में रात्रि विश्राम होगी। यह यात्रा 21 किलोमीटर की होगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे मंच से बीजेपी के खिलाफ जमकर बोले और भारत छोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की। और मोदी जी हमेशा हमको कहते हैं, भाई कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की। अरे अगर हम 70 साल में कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते थे। पचास पचास साठ साठ गाड़ियां लेके जो आज घूम रहे हो, ये कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस ने जमहूरियत को बचाया, कांग्रेस ने संविधान को बचाया, इसीलिए आज आप जैसे आदमी प्रधानमंत्री इस देश के बने और मेरा जैसा है गरीब का बेटा भी अपोजिशन लीडर और AICC प्रेसिडेंट होकर आपके सामने है। ये हमारी देन है। आप कुछ नहीं किए, आप ना देश को आजादी दिलाए, आप देश के लिए लड़े नहीं, आपके कोई आदमी जेल नहीं गया, आपका आदमी कहीं ब्रिटिश के खिलाफ हाथ नहीं उठाया, सब कुछ कांग्रेस ने किया। देश को आजादी दिलाई, देश की तरक्की के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 ईयर प्लानिंग के साथ देश को आगे बढ़ाया। एम्स किसका है, IIT किसके हैं, मेडिकल कॉलेज किसके हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाया? आज जो बहुत से टेक्नोक्रेट हमको दिखते हैं देश के अंदर और देश के बाहर, और जब मोदी जी जाते हैं वहां बहुत से डॉक्टर इंजीनियर्स वो तालियां बजाते हैं, वो कौन है? अरे जिनको हमने विद्या दी, जिनको हमने ग्रेजुएट बनाया, जिनको हमने इंजीनियर बनाया, वही लोग आपका स्वागत वहां करते हैं। वो तो आपके जमाने में तो नहीं बने आप, लेकिन उसको आप गुमराह कर रहे हैं। उनको कुछ गलत सलत बोलकर हेट की पॉलिसी, एक दूसरे के खिलाफ समाज को तोड़ना, धर्म के नाम सर अलग करना, गरीबों को कुचलना, ये काम बीजेपी का है। हमारा काम सबको जोड़ना है। भारत जोड़ो, इसीलिए ये यात्रा यहां से प्रारंभ हम किए हैं और ये कम से कम 1200 किलोमीटर ये चलने वाला है। बोधगया में इसकी आखिरी समापन होगा। तो ये काम हम करते हैं, शांति से लड़ते हैं, लोगों को
आज उनके जो तकलीफात हैं, आज जो इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, ये आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है। लेकिन बीजेपी हमेशा झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ। अरे हम अगर जिंदा रहे तो ही आगे बढ़ेंगे ना, पेट भर गया तो ही भगवान की भी पूजा याद आती है, पेट खाली तो भगवान भी याद नहीं आता। क्योंकि ये हमेशा आदमी जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, नहीं पानी पीना जरूरी है या नहीं है? तो जब खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, जिंदा रहना जरूरी है, तो भाई हाथ को नौकरी तो दो जिंदा रहने के लिए। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमराय चौक के समीप देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुलिस प्रशासन को देने पर घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर थाना पहुंचाया और मृतक युवक की पहचान में जुट गई। सुबह मृतक युवक की पहचान मृतक के पिता उमेश मांझी और माता सीता देवी ने सुल्तानगंज थाना पहुंचकर अपने पुत्र सुमन मांझी के रूप में किया। मृतक के पिता उमेश मांझी ने कहा कि कल शाम घर से निकला था, सुबह सूचना मिलने पर थाने में देखा तो मेरे पुत्र सुमन मांझी की हत्या कर दी गई है। मृतक का दोस्त बिट्टू यादव ने बताया कि हमारे दोस्त की हत्या कोरेक्स नशा का सेवन करने वालों का विरोध करने के कारण हुई है, क्योंकि उसका मित्र कोरेक्स नशा बंद किए जाने की मांग हमेशा पुलिस प्रशासन से करता था। इस घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस पूरी घटना को लेकर एक युवक को हिरासत में लेकर घटना की छानबीन करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। ये घटना सर, कोरेक्स और टिकिया खाने पीने के लिए एक एक बूंद के लिए ये लोग मारपीट करता है सर। कोरेक्स पीने के लिए मोबाइल छीन लेता है, कोरेक्स पीने के लिए किसी का पैसा, किसी का बच्चा का कुछ कर लेता है सर। कोरेक्स टिकिया दो चीज हम सुल्तानगंज शहर नहीं, हर एक शहर को बोल रहे हैं कि बंद करवा दिया जाए। कोरेक्स चक्कर में जी, ये मर्डर कोरेक्स और टिकिया के चक्कर में हुआ है, ना पैसा का लेन देन में नहीं सर। किसका मर्डर हुआ है? ये सुमन कुमार लड़का है, इसका उम्र मेरा फ्रेंड है, साथ में काम करते थे सर। ये लड़का कोरेक्स टिकिया पीने वाला खाने वाला मेरे से नहीं था, इसको सर बाला फुसला के पैसा कमाता था, लेकर के इसको खाने पीने के बहाना ले गया और इसको मार दिया सर। 8 बजे घर से काम करने के लिए। अच्छा, कहाँ निकला था? काम करने के उद्देश्य से निकले थे सर, बोले चाय पी के बोला कि काम करने जाएंगे। कल कब निकला था? सुबह शाम? कल 8 बजे सुबह। अच्छा, तो उसके बाद क्या उससे संपर्क आपके लड़के से हुई थी? उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। शाम में फिर खोजे, बोले वो तो अक्सर करके थोड़ा 7-8 बजे तक में घर आ जाते थे। अच्छा, हम सोचे काम हम करके अपना साथी संगत न होगा। क्या काम करता था वो? मेहनत मजदूरी, रंग पेंट का जो काम करता। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को उनकी अंतिम यात्रा बताते हुए कहा कि यह यात्रा समाधान नहीं व्यवधान यात्रा है। वो संन्यास लेने जा रहे हैं, इसलिए यह अंतिम यात्रा पर निकल रहे हैं। साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि यह यात्रा किस बात की कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपराध रोका है, भ्रष्टाचार रोका है या फिर जंगल राज को समाप्त किया है? नीतीश कुमार पूर्ण रूपेण बिहार का जनाजा निकालने में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आगे कहा कि बिहार सदियों से खुशहाल रहा, नीतीश कुमार ने बिहार में जंगल राज लाकर बिहार को बर्बाद कर दिया है, बिहार का विकास 25 साल पीछे हो गया। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पूर्ण रूपेण संवेदनहीन हो गए हैं, क्योंकि वो खुलेआम कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, या उनकी ओछी मानसिकता साफ दिखा रही है। चौबे ने कहा कि बिहार में सिर्फ एक यात्रा होगी और वो होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास यात्रा। बिहार सदा बिहार रहा है, इस बिहार में जंगल राज ला करके इन्होंने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आज बिहार 25 साल पीछे चला गया। बिहार का जो विकास चल रहा था, डबल इंजन की सरकार चल रही थी, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आज आगे बढ़ रहा है, उसमें बिहार को धक्का लगा है। और बिहार किसी हालत में ऐसे लोगों को क्या ये यात्रा निकाल रहे हैं? उनका जो हमारे सैकड़ों भाई मर गए, क्या अभी शराब रोकने का इनकी यात्रा का संकल्प है? अवैध शराब को शराबबंदी, ऐसे अवैध फैक्ट्री शराब के लगे हुए हैं, क्यों नहीं आपने रोका इतने सैकड़ों लोगों का? और ये फिर जो आदमी
इतना संवेदनहीन हो जो कह सकता है कि मरेगा हम क्या करेंगे, मरे जो मरना मरेगा, इस प्रकार के संवेदनहीन बात करने वाला कौन सी यात्रा निकाल रहे हो आप बिहार के लिए? ये बिहार के लिए बिहार को धोखा देना इस प्रकार का, और ऐसे लोग बिहार को पूरी तरह से, बिहार को मुक्ति चाहिए। अब अंतिम संन्यास का ये बोले भी थे कुछ दिन अंतिम चुनाव में, कहाँ कहा था उन्होंने कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, तो ये तो संन्यास लेने के लिए उनका पूर्व का अंतिम यात्रा है, बिहार को चकनाचूर कर देंगे, बिहार को गर्त में दे दोगे तब यात्रा निकालोगे। अरे अब तो आप संन्यास धारण कर लो, अब तो बिहार को छोड़ दो, बिहार को किसी हालत में, अब बिहार विकास के आगे राह पर आगे बढ़े इसकी चिंता तो करो। ये धोखा देने की यात्रा, ये दोनों लोग जो है ना, रामो बामो सामो धामो कामो, ये सात बहिन चंपा जागो रे जागो, ये सब जनता को धोखा। अरे भाई अभी देश में विकास यात्रा होगा, एकमात्र नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विकास कर रहा है, ये दुनिया में आज दुनिया ने हमें नेतृत्व दिया है, और हम भारत को पूरी तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार छात्र प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। पार्ट थर्ड की परीक्षा समय पर कराने को लेकर आज छात्रों का एक गुट विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पहुंचकर परीक्षा नियंत्रक से मिला और समय पर परीक्षा कराने की मांग की, जिस पर परीक्षा नियंत्रक ने विचार करने की बात कही है। वहीं दो दिन पहले भी छात्र का एक गुट द्वारा परीक्षा बढ़ाने को लेकर आंदोलन किया गया था, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा परीक्षा बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया था। इसकी घोषणा होते ही आज दूसरा गुट समय पर परीक्षा की मांग कराने को लेकर विश्वविद्यालय पहुंचा और अपना मांग पत्र परीक्षा नियंत्रक को दिया। अब विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों गुटों के बीच में क्या फैसला लेती है, यह देखने वाली बात है। पार्ट थ्री के छात्र हैं DMBU के, हमारा यही मांग है कि जो परीक्षा का डेट 19 तारीख से दिया गया था उसको 19 तारीख से ले लिया जाए, क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है, और लेट होगा तो न BEd का, न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, न ही हम PG के लिए भर सकते हैं, तो हमको और नहीं फंसाया जाए, क्योंकि उसके बाद मैट्रिक का होगा, इंटर का होगा, तो हमारा कब होगा परीक्षा। जो डेट दिया गया है उस डेट में लेकर के हम लोग को जो है फ्री किया जाए। भागलपुर में बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने को लेकर आज समीक्षा भवन में नए SSP आनंद कुमार के नेतृत्व में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अपराध गोष्ठी में नए CTDSP अजय कुमार चौधरी भी शामिल हुए। भागलपुर के नए वरीय पुलिस अधीक्षक की यह पहली बैठक थी, जिसमें सभी थाना के थानाध्यक्षों के साथ बैठक की गई और कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से केस के निष्पादन, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना, अपराधियों पर लगाम लगाना, शराब तस्करों पर पैनी नजर रखना जैसे बिंदुओं पर वार्ता की गई। भागलपुर के नए SSP आनंद कुमार ने कल ही पदभार ग्रहण किया है और आज से अपनी नई रणनीति शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि भागलपुर में बढ़ रहे अपराध पर इनके नेतृत्व में किस तरह नियंत्रण किया जाएगा। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के न्यू पुलिस लाइन में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। SP सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में आयोजित बैठक के दौरान हाल के दिनों में हुई संगीन आपराधिक घटनाओं में पुलिसिया कार्रवाई की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को ऐसे आपराधिक घटनाओं का निपटारा जल्द से जल्द किए जाने का निर्देश भी दिया। SP ने कहा कि एक तरफ पुलिसिंग व्यवस्था दुरुस्त की गई है, जिसके कारण आम लोगों में पुलिस का विश्वास बढ़ा है। आम लोगों का पुलिस के प्रति बढ़ता विश्वास ही पुलिस की सफलता है। SP ने कहा कि वर्ष 2022 में पुलिस ने कई तरह की उपलब्धियों को हासिल किया है। ओवरऑल पुलिसिंग में भवानीपुर OP परबत्ता थाना और नगछिया आदर्श थाना ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। जैसा आप सभी जानते हैं, सभी आप लोग पढ़े लिखे सभी पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार सब हैं, आप लोग फील्ड में देखते होंगे, बहुत सा घटना का संबंध भूमि विवाद से रहता है, और इस सरकार का ये आदेश भी है कि थाना अनुमंडल और जिला स्तर पर इसकी बैठक की जाए, और बैठक होता भी है, और कई मामलों का इसमें निष्पादन किया गया है। यदि आप जोड़ें थाना अनुमंडल और जिला स्तर पर, अब तक कुल 247 बैठक का निष्पादन बैठक हुआ है, जिसमें से कि 438 भूमि विवाद को सुना गया ज्वाइंट, क्योंकि थाना पर अंचलाधिकारी थाना प्रभारी रहते हैं, अनुमंडल स्तर पर SDM और SDPO रहते हैं, और जिला स्तर पर DM और SP रहते हैं, जिसमें से मुझे कहा कि 438 में से 313 मामलों का निष्पादन हुआ। अब आप देखते हो कि हम लोगों के ऑफिस में भी जो पहले लोग आते थे, अब आना कम हुआ है। इसलिए कम हुआ है कि ये थाना अनुमंडल जिला स्तर से, मैं विशेष करके मैं श्रेय दूंगा थाना स्तर को,
कि वो प्रत्येक सप्ताह शनिवार करते हैं, महीने में दो बार SDPO और SDM साहब भी करते हैं, इनको भी श्रेय दूंगा। इन लोगों के प्रयास से काफ़ी भूमि विवाद को गंभीरता से सुनी जाती है, उसका निदान भी किया जाता है, वो संतुष्टि का भाव भी है। अब कई आवेदन आते हैं हमारे सीनियर्स का विभिन्न आयोग से, हम लोगों ने बीते वर्ष 746 आवेदन का निष्पादन किया है, और आप जानते हैं कि लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जो लोग नौकरी में जाते हैं, डायरेक्टर होता है, जो सत्यापन होता है, हम लोग बीते वर्ष 9453 आवेदन का सत्यापन निष्पादन किया है। इसमें ये भी है, इसमें फाइन भी है, जो थाना प्रभारी इसमें डिले करेंगे तो उनके वेतन से कटौती भी की जाएगी। हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, ये मैं भी इसको काम कर रहा हूँ, मेरे पास आंकड़ा भी तैयार नहीं हुआ है कि जो थाना प्रभारी यदि इसमें डिले किए तो उन पर कार्रवाई भी मैं करूँगा। नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के जपतेली अठनिया जंगल में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जहां से देसी शराब बनाते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 30 लीटर देसी शराब के साथ अर्धनिर्मित देसी शराब और 250 केजी जावा महुआ टीम के द्वारा बरामद किया गया। इससे पहले भी यहां पर छापेमारी की गई थी, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए थे और देसी शराब की बरामदगी हुई थी। वहीं आज फिर उत्पाद निरीक्षक अजीत कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर टीम ने देसी शराब बनाते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार दोनों लोगों से उत्पाद पुलिस इनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। देर शाम भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र के NH 31 टोल प्लाजा के समीप सड़क हादसे में यूको बैंक तुलसीपुर की सहायक शाखा प्रभारी गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव निवासी 30 वर्षीय सुमित यादव की मौत हो गई। मृतक के भाई राकेश कुमार ने बताया कि सुमित अपने बाइक से फील्ड वर्क के लिए निकला था। देर शाम जब वो बैंक से वापस घर लौट रहा था, उसी दौरान गोपालपुर के समीप NH 31 पर विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहे अनियंत्रित हाइवा की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गया। आनन-फानन में स्थानीय थाना पुलिस लोगों की सहायता से सुमित को भागलपुर मायागंज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान देर शाम उसकी मौत हो गई। सुमित की शादी के अभी मात्र 6 महीने ही हुए थे। भागलपुर के सुल्तानगंज के एक निजी रेस्टोरेंट के प्रांगण में बांका सांसद गिरधारी यादव, विधायक प्रोफेसर लित नारायण मंडल, विधान पार्षद विजय कुमार सिंह के द्वारा नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद, नगर निकाय सुल्तानगंज एवं अकबर नगर के सभी नवनिर्वाचित हुए जनप्रतिनिधियों को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर लित नारायण मंडल ने की। मंच संचालन जदयू कार्यकर्ता संजय मंडल एवं पवन किसान ने की।